नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाशु गुलेरिया ज्ञानमेटिक्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपने ज्ञानमेटिक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं नेक्स्ट एनडीए सेक्शन में वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज जो है वीडियो वो है एक मॉक टेस्ट की और इसका सीरियल नंबर है 4। इससे पहले हमने 3 मॉक टेस्ट ऑलरेडी जीएस सेक्शन में एनडीए के लिए अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो यू कैन वॉच इट फ्रॉम द प्लेलिस्ट, या फिर उसका आई कार्ड मैं जनरेट कर दूंगा या उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। रही बात मॉक टेस्ट की नंबर 4 की, तो आज हम टोटल जैसा कि 15 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट रहता है उसी तरह 15 क्वेश्चन हैं आज के मॉक टेस्ट में भी, और ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं वो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड हैं। तो आज का जो मॉक टेस्ट है वो स्पेशली इंडियन पॉलिटी से डील करेगा। आपको वीडियो के लास्ट में ऑनेस्टली अपना स्कोर जैसा कि आप कमेंट करते हो हमें कमेंट करके बताना है, ताकि नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट बने वो आपके कमेंटेड जो स्कोर होगा उसके बेसिस पर बने, ठीक है? डिफ़िकल्टी लेवल का हमें पता लग जाएगा उससे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ सॉवरीन बॉडी बिकॉज ए इट कैन लेजिस्लेट ओनली ऑन सब्जेक्ट्स एंट्रस्टेड टू द सेंटर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, B. It has to operate within the limits prescribed by the Constitution. C. The Supreme Court can declare laws passed by Parliament as unconstitutional if they contravene the provisions of the Constitution. D. All of the above. तो देखिए, यहाँ आपसे पूछा है कि जो पार्लियामेंट है इंडिया का उसे हम कंप्लीटली एक सॉवरीन बॉडी नहीं कह सकते। सॉवरीन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है? इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं कह सकते। उसके रीजंस आपको ऑप्शंस में दिए हैं और आपको बताना है कि क्या इसके रीजंस हैं। तो यहाँ पे पहला जो रीजन दिया है वो है कि ये सिर्फ सेंटर सब्जेक्ट, जो सेंटर लिस्ट में सब्जेक्ट आते हैं उन्हीं को अमेंड कर सकता है या लेजिस्लेट कर सकता है, तो ये एक सही बात है। सेकेंड बात करें, इट हैज़ टू ऑपरेट विद इन द लिमिट्स, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उनकी कुछ दायरे हैं, कुछ लिमिट्स हैं, उसी के तहत जो पार्लियामेंट है वो वर्क करता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और थर्ड है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर उसको लगता है कि कोई पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ जो है वो बनाया है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस लॉ को वो ख़त्म कर सकता है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट जो है और पार्लियामेंट एक दूसरे के लॉज को ख़त्म कर सकते हैं, तो ये भी इसका सही आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन नंबर 2, द नेम ऑफ लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीन दिवी आइलैंड्स वर चेंज टू लक्षद्वीप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन। तो लक्षद्वीप जो है, इससे आपको पता होगा कि पहले लक्षद्वीप का नाम जो था लक्षद्वीप नहीं था, उनके एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स थे जिनके नाम थे लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दिवी, ठीक है? इन तीनों को मिला के लक्षद्वीप जो है नेम चेंज किया गया था। और आपको क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं वो है 1970, 71, 72 और 73। तो ये जो एक्ट था वो पास हुआ था 1973 में, तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट है हमारे पास, इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, आपको कमेंट करके लक्षद्वीप की कैपिटल जो है वो बतानी है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, ऑप्शंस आर द पीपल, लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और डी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो सबसे पहले राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का टर्म होता है 6 ईयर्स का, ठीक है? और हर साल 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं एवरी ईयर, ठीक है? और इनकी इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शंस में जो हमारे एमएलएज होते हैं डिफरेंट स्टेट्स के, वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा मेंबर्स को। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो एमएलएज होते हैं उन्हें कहते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द मेंबर्स ऑफ द पंचायत आर, ऑप्शंस आर नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर,
द इलेक्टोरेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज नॉमिनेटेड बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और लास्ट इज नॉमिनेटेड बाय BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए मेंबर्स जो होंगे पंचायत के ऑब्वियसली वो उस विलेज के मेंबर्स होने चाहिए या फिर इलेक्टोरेट होने चाहिए। इलेक्टोरेट का मतलब है जो जिनके पास वोटिंग राइट है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कि जो मेंबर्स होंगे पंचायत के दे शेल बी द मेंबर्स ऑफ द विलेज और यू कैन से द इलेक्टोरेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटिशन इज वेस्टेड इन द, जो इलेक्शन पिटिशन की पावर है वो किसके पास रहती है? ए पार्लियामेंट, बी सुप्रीम कोर्ट, सी हाई कोर्ट या डी इलेक्शन कमीशन। तो अगर आप सोच रहे हो इसका आंसर इलेक्शन कमीशन है तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखिए 1966 तक क्या होता था, इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन जो पिटिशंस होते थे वो आते थे, तो एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता था सेपरेट, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बोलते थे उसे, जो कि ट्रायल करता था इलेक्शन किस के फेयर होने का या फिर जो भी पिटिशन में फाइल हुआ है। लेकिन 1966 के बाद क्या हुआ, ये पावर जो है हाई कोर्ट को दे दी गई, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी हाई कोर्ट्स। नेक्स्ट है प्रेजेंट लोकसभा इज, आपको बताना है जो 2019 की लोकसभा है वो कौन सी है, उसका नंबर क्या है। तो वो है 2019 की 17th लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक यूज ऑफ रेजिडुअरी पावर्स। तो पार्लियामेंट के पास रेजिडुअरी पावर्स, देखिए इंडिया में क्या है बाय कैमलिज्म है, और दूसरी चीज इंडिया में पावर्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं इन स्टेट्स एंड सेंटर, ठीक है। लेकिन सेंटर के पास क्या रहता है, रेजिडुअरी पावर्स, मतलब सेंटर जो है उसके पास ऐसा कह सकते हैं कि ज्यादा पावर्स हैं, ठीक है। अब सेंटर कब अपनी रेजिडुअरी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। आपके ऑप्शंस हैं एट ऑल टाइम्स, हमेशा कभी भी, ओनली ड्यूरिंग नेशनल एमरजेंसी, या फिर नेशनल एमरजेंसी एज वेल एज स्टेट एमरजेंसी, और डी इज नन ऑफ द अबव। तो देखिए सेंटर के पास पावर है कि वो अपनी रेजिडुअरी पावर्स जो है कभी भी किसी भी समय इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ए। जैसे कि आपने देखा होगा जो अभी आर्टिकल 370 रिवोक किया गया जम्मू एंड कश्मीर का, वो था रेजिडुअरी पावर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ, लोकसभा, लोकसभा की बात करें तो टर्म होती है 5 years, वेरी इजी क्वेश्चन, 5 years। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स द रियल एग्जीक्यूटिव्स इन सेवरल वेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रॉन्गली लिस्टेड एज अ मेथड ऑफ कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। तो देखिए जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं उन्हें, लेकिन जो बाकी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो उनको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं या किस तरह से उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने ये स्टेप्स उठाए तो क्यों उठाए। वो कुछ टूल्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड हैं, वो आपको बताना है कि इनमें से कौन से हैं। आपके ऑप्शंस हैं क्वेश्चंस, बी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, सी एडजर्नमेंट मोशंस या डी नन ऑफ दी अबव। तो देखिए क्वेश्चंस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस और एडजर्नमेंट मोशंस, ये तीनों ही पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में आते हैं और ये मतलब जो मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के वो यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस करने में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को या फिर टैकल करने में। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ रिट्स दैट कैन बी प्रेड फॉर एंड इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट इज, आपको बताना है कि रिट्स जो होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं। आपके ऑप्शन हैं 3, 4, 5 और 6। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है टोटल 5। अब मैं आपको नाम बता देता हूँ, हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वरंटो। अब दो जो बचे हैं वो आपको कमेंट करके
कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा इज 25 ईयर्स, 21, 18 और 35 ईयर्स ओल्ड। तो आपको बताना है कि मिनिमम एज जो एलिजिबिलिटी है वो लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए कितनी है या इलेक्शन में फाइट करने के लिए कितनी है, तो वो है 25 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द पेंशन ऑफ द ऑफ अ हाई कोर्ट जज इज चार्ज टू द, तो जो पेंशन होती है एक हाई कोर्ट जज की वो इनमें से कौन से फंड से निकाली जाती है। आपके ऑप्शंस हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट वेयर ही सर्व्ड लास्ट, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स वेयर ही हैज सर्व्ड, और लास्ट इज कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देखिए दो तीन तरह के फंड्स रहते हैं, कंसोलिडेटेड, कंटिजेंसी एंड पब्लिक फंड, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड्स की बात करें तो यहाँ से आपकी जितनी भी पेंशन्स वगैरह होती हैं वो आपकी कंसोलिडेटेड फंड से निकाली जाती है, ठीक है। अगर हाई कोर्ट जज की बात करें तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ए है। कंटिजेंसी की बात करें तो कंटिजेंसी फंड वो फंड होता है जो कि बिना पार्लियामेंट की मंजूरी के भी निकाला जा सकता है। जैसे कि अगर एमरजेंसी इशूज़ आ जाएँ, लाइक असम में फ्लड आए या फिर आपके बिहार में फ्लड आते हैं, या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है या कोई भी इमरजेंसी नीड पड़ती है, तो वो आपका कंटिजेंसी फंड से निकाला जाता है पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द प्रीएम्बल सेज दैट द स्टेट इन इंडिया विल एश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू अचीव द ऑब्जेक्ट बाय गारंटिंग। ऑप्शंस हैं इक्वल फंडामेंटल राइट्स टू ईच सिटीजन, बी इज द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ईच इंडिविजुअल, सी इज जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क टू ईच इंडिविजुअल, और लास्ट इज इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क टू ईच इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स। तो देखिए यहाँ पे डिग्निटी की बात कर रहे हैं, तो डिग्निटी जो है वो आपकी फंडामेंटल राइट्स आपको प्रोवाइड करती है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके कोई भी नहीं छीन सकता। यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वॉयलेट होता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए, इक्वल फंडामेंटल राइट्स टू ईच सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। द मिनिमम एज ऑफ अ वोटर इन इंडिया इज, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने इस मॉक टेस्ट में डाला है। तो ऑप्शंस हैं 15, 18, 21 और 25। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, 18 ईयर्स। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, फ्रेंचाइजी या फिर। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है और कौन से पार्ट के अंदर ये रहेगा। लास्ट क्वेश्चन इज 15th। द मेंबर ऑफ स्टेट कमीशंस कैन बी रिमूव्ड बाय द, जो स्टेट कमीशन के मेंबर्स होते हैं उनको उनके रिमूवल की प्रोसीजर क्या है, या फिर उनको रिमूव करने के लिए कौन ऑथराइज्ड है, वो आपसे सवाल पूछा है। आपके ऑप्शंस हैं गवर्नर ऑन द रिपोर्ट बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पे गवर्नर जो है ऑथराइज्ड है स्टेट कमीशन के मेंबर्स को निकालने के लिए, ये ऑप्शन ए कहता है। ऑप्शन बी कहता है गवर्नर ऑन रेजोल्यूशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट कोई रेजोल्यूशन पास करता है किसी स्टेट कमीशन के मेंबर के अगेंस्ट, तो गवर्नर जो है ऑथराइज्ड हो जाएगा उस मेंबर को निकालने के लिए। या फिर सी प्रेसिडेंट ऑन रिपोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट, और डी प्रेसिडेंट ऑन रेजोल्यूशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो देखिए अगर स्टेट कमीशन के मेंबर्स को निकालना है तो इसको निकालने के लिए ऑथराइज जो है वो सिर्फ है प्रेसिडेंट, सी इसका सही आंसर है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।